विश्व रक्तदाता दिवस के मौके पर रक्तदान शिविर DVVNL के ऑफिस में आज आयोजित हो रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में जो लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं। और किस तरह से इस उद्देश्य का क्या मतलब होता है, हमारे साथ बात करने के लिए विधायक एतमादपुर धर्मपाल जी हैं, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधिकारी भी हैं। सर, ये बड़ा उद्देश्य होता है और अब लोगों में अवेयरनेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, लोग खुद निकल कर आ रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, एक सामाजिक जिम्मेदारी को समझ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय MD साहब का, अमित किशोर जी का, कि वैसे तो कल रक्तदाता शिविर था लेकिन कंटिन्यू चलता रहता है और आज उन्होंने लगाया, उनके पूरे विभाग के सभी कर्मचारियाँ उपस्थित हैं, उनका बहुत बहुत आभार, और सभी संगठनों का, विद्युत से जुड़े विद्युत सभी अधिकारियों का बहुत बहुत आभार। इस बार WHO ने भी थीम दी है, रक्त दो, प्लाज्मा दो और जीवन साझा करो। निश्चित रूप से शायद इससे कोई नेक और पुनीत कार्य नहीं हो सकता। हर स्वस्थ आदमी को साल में कम से कम एक बार तो रक्तदान देना ही चाहिए। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ MD साहब का, और मैंने देखा है, मैं कई सामाजिक संगठनों के शिविरों में भी गया तो पूरा परिवार का परिवार भी ब्लड डोनेशन कर रहा है, बहुत अच्छी कर रहा है। देखिए सर, अवेयरनेस काफ़ी बड़ी है, पहले लोग कई तरह की भ्रांतियां मन में हुआ करती थी लेकिन अब लोग सब चीज़ समझ रहे हैं, और ब्लड डोनेशन करने से कहीं ना कहीं बॉडी फिट रहती, तमाम चीज़ें, ये भी चीज़ें जागरूकता में आई है। तो कितने लोग आज आपके परिवार से, यानी DVNL के से जुड़े हुए कितने कर्मचारी अधिकारी ब्लड डोनेट करने वाले? SN मेडिकल से डॉक्टर चौहान मैडम आई हैं, तो इनका लक्ष्य आज 100 है, मुझे पूरा विश्वास है कि 100 को हम लोग पार करेंगे। पूर्व में भी यहाँ दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का जो मुख्यालय है उसमें हम लोगों ने एक कैंप आयोजित किया था। आज मैं माननीय विधायक जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपकी प्रेरणा से ये कार्यक्रम हम लोगों ने कराया है। कल विश्व रक्तदाता दिवस था लेकिन कल जो SN मेडिकल की टीम थी वो काफ़ी इनके अलग अलग जगह इंगेजमेंट थे, तो आज हमने, जैसे विधायक जी ने बताया है कि इसको निरंतर हम लोग जारी रखेंगे, इसी में हम लोगों ने यहाँ इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हमारे तीनों डायरेक्टर साहबान हैं, मैं हूँ, और अभी हम लोग, हमारे जितने कर्मचारी हैं मैक्सिमम हम लोग इंश्योर करेंगे कि हम लोग ब्लड डोनेशन करें। और जो अलग अलग तरह की भ्रांतियाँ हैं जो विधायक जी ने भी बताया, इस ये बहुत सेफ़ है और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए। और सिर्फ ब्लड डोनेट करने से पता नहीं कितने लोगों की जान हम लोग बचा सकते हैं। तो देखिए, बहुत बड़ा एक सामाजिक एक जिम्मेदारी भी है। देखिए किस तरह से तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तमाम जो दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के जो कर्मचारी अधिकारी हैं ब्लड डोनेट कर रहे हैं, अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझ रहे हैं। ट्रांसफ्यूजन डिपार्टमेंट SNMC से डॉक्टर नीतू चौधरी इस पूरे व्यवस्था को, इस पूरे कैंप को आयोजित करा रही हैं। तमाम आप देख सकते हैं जो कर्मचारी अधिकारीगण हैं लगातार अपना ब्लड डोनेट करेंगे आज पूरे दिन, एक ब्लड डोनेशन कैंप, जो कहीं ना कहीं एक सामाजिक जिम्मेदारी है उसको दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के कर्मचारी अधिकारी समझ रहे हैं, और खून की एक बूंद किसी की ज़िंदगी को बचा सकती है, ये बहुत बड़ा मैसेज होता है। यही वजह है कि आज बड़ी संख्या में DVVNL के लोग ब्लड डोनेशन कैंप में आए हैं और अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। इस टाइम युवा पीढ़ी काफ़ी इस मामले में सजग है कि अगर वो ब्लड डोनेट करते हैं तो उनके एक रक्तदान से हम 3 जीवनों को बचा सकते हैं। और मैं बहुत प्रसन्न हूँ इस चीज़ से कि कल भी विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर हमारे यहाँ 132 यूनिट ब्लड का कलेक्शन हुआ, और आज भी DVVNL के माध्यम से एक बड़े कैंप का आयोजन किया जा रहा है। देखिए, SN मेडिकल कॉलेज आगरा जो लगभग 1400 बेडेड हॉस्पिटल है, इसमें HIV पॉजिटिव पेशेंट, जननी सुरक्षा योजना के मरीज, लावारिस मरीज, कैदी, विकलांग तथा जीवन पर्यंत जिनको रक्त की आवश्यकता होती है वो मरीज, जैसे कि कैंसर के पेशेंट हैं, डायलिसिस के पेशेंट हैं, इन सभी को विदाउट एक्सचेंज तथा विदाउट एनी कॉस्ट फीस फ्री ब्लड दिया जाता है। और इस ब्लड की पूर्ति हम तभी कर पाते हैं जब युवा पीढ़ी आगे आएगी और DVVNL जैसे जो समाज सेवी संस्थाएं हैं उनके माध्यम से हमारे पास रक्तदान किया जाएगा। देखिए, टारगेट तो 100 यूनिट्स का हमने मिनिमम रखा है और उम्मीद करती हूँ कि इतना यूनिट हम अपने मरीजों के लिए लेकर जाएंगे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।